जब तुझे पता भी है, हाँ मुझे नहीं बोल रहा, फिर भी लग तो रहा, क्यों लग रहा है जब तुझे देख, 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 कैसे बोल रहा है? तो मैं सोचा सीखा होगा कुछ, देखता रहता है मैजिक शो, मैंने कहा उड़ा, इसे मैंने तो दोनों पैर पकड़ के खींच दिया, दोनों टांगों से खींच और मेरा सिर पीछे लगा इसमें। रचित और सिब्बू आए घर पर, रचित और सिब्बू ऐसे हो गया। मेरे को कमेंट आ गया कि आपके ब्लॉग में अब वो हमें दिखते हैं, अब तो खैतू डालने लगा। मैं तो वो डाल लेता हूँ, ट्रैवल के भी डल रहे हैं मेरे। हाँ तो सिब्बू तो बिल्कुल ही नहीं डाल, शुरू करूंगी मैं अभी थोड़ा, मैं चलो सोलो टाइम स्पेंड कर रही हूँ, थोड़ा गैप भी जरूरी है भाई। जल्दी सिब्बू के आएंगे ब्लॉग, देखना मजे से करूंगी शुरू। तो अभी ये लोग आए हैं और हमने खाना इनका बना रखा है, रचित का फोन आ गया था कि खाना बना लेना, हम लोग आ रहे हैं, तो अभी सारे मिलके खाना खाएंगे बहुत दिनों में, साथ में बहुत दिन हो गए, हाँ। क्योंकि शूट होता है, वो बना कोई कभी खाता है कोई कभी क्या बना रखा है, सांभर बना रखा है, और भाई हमारी हरियाणा में रबड़ी बनती है, ये हम पियेंगे, ये अपने इधर ही बनती है हरियाणा की साइड, और नहीं है कहीं, और आलू का रहेगा ना, तो शूट पे जो बनते थे चावल का शूट पे जो बंदे आए थे और सबको इतनी पसंद आई, लेकिन कह रही बनाई कैसे, क्या है ये, क्या है ये, कुछ पता ही नहीं, तो कह रही मेरे को चावल कराए था। दादी भी हुई बोल रही थी, दादी कह रही मैंने खाई है रबड़ी, पर ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, ना मैंने कभी खाई, मतलब रबड़ी लोगों को वो अलग पता है, वो आइसक्रीम वाली रबड़ी, वो मीठी वाली दूध वाली। गाइस ये हरियाणा की रबड़ी हमारे इधर ही बनती है, ट्रेडिशनल है हरियाणा की, कह सकते ये और पता है काम ये पता और कहाँ मिलती है, राजस्थान। जब हम वहाँ गए थे ना मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे बिक्री थी, पता है हरियाणा और राजस्थान का कल्चर थोड़ा थोड़ा सेम है, मोस्टली सेम है, हरियाणवी हरियाणवी और राजस्थान में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर हो जाती है, हाँ पर उनको हमारी समझ आती है, हमें वो थारो मारो करते हैं, हाँ अलग अलग है थोड़ी, पर वहाँ पे वो भी बनती है, वो लाल चटनी देखने देखा, लाल मिर्च की वो पे पीस के थारो मारो करते हैं, और हम थारा मारा करते, मारा थारा और मैं थारो मारो, और आप तुम्हारा हमारा ऐसे बोलते हैं, तू इन मोइन तुम्हारा हमारा, वो तो हिंदी हो गया, तो यही है वैसे, मैं को मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, नहीं अपनी लैंग्वेज तुम्हारे में थम लिख लो, हम देख हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं देम, और हरियाणी में बोलते हैं थम, अंग्रेजों की आ से हो गया, इसको बोल लेते थोड़ा इसी टीम में, तो पे हां बोल ले, आप फिर भी कितना सही बोलते हो, आप स्वाति चीनू आप बोलते हो आपके मुंह से अच्छा लगता है, ये बोलते से लगता है गाली दे रहा है, अरे नहीं वो थोड़ा ऐसे लगता होगा, मेरी आवाज भी तो भारी है पूरे, हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता, तो मुझे लगता है, जैसे तूने बोला थम इंग्लिश में होता है देम, हमारे में होता थम, तो देख रही है इनने हमारा वर्ड चुराया इंग्लिश वाले, जैसे दे वे, हां अब जैसे सिब्बू तूने एकदम बोला थम यो लिकड़, तो जोर लगा के बोला ना, तो तेरे मुंह से ये लग रहा है कि ये कैसे बोल रही है, हाँ। तो मुझे आती नहीं है इसलिए अब अजीब लग रहा है, अब तू वैसे भी बोलेगी यहाँ से जा, वो भी तो बुरा लगेगा, अब मैं बोलूँ लिकड़ा देते वो भी ऐसे लगेगा, नहीं ज्यादा गंदा लगा लिकड़ा देते ना, क्यों तो ठीक है ना, जब बुरा लगवाना तो अच्छे से लग रहा है, मैं कह रही हूँ ऐसे ही पूरा दिन मस्ती करते हो, लड़ते हो या मस्ती है, ये लड़ते हैं मस्ती वस्ती कुछ नहीं है, पूरे रास्ते मैं ये ना कुछ बोलता है, हमारी किसी बात पे ना डिस्कशन चल रही थी, कुछ बोलता हुआ आया, मैं कह रही हूँ मेरे पे चिल्ला क्यों रहा है, मैं तेरे पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये बात नहीं है तू मुझसे चिल्ला रहा है, जिस बंदे के बारे में बात हो रही थी उस बंदे पे गुस्सा था, तो तेरे को तो नहीं कुछ बोला ना, तो लगता ऐसे ही रहा था ना कि मेरे पे तो मत लगा ना सर, जो है वो लगा, जब तुझे पता भी है, हाँ मुझे नहीं बोल रहा, फिर भी लग तो रहा, क्यों लग रहा है जब तुझे देख, पता देख, देख, कैसे बोल रहा है, मजा आ रहा है लड़ाई देखने में, ये आप यही चाहिए,
चाहिए, यही चाहिए। आप जैसे बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो, कितने सही से बोलते हो। मेरे को इसकी नहीं लगती। ऐसी कटिंग करा लूं? कैसी? अभी आएगा ये। अक्षर पटेल नहीं, जैक फ्रैग, ये क्रिस्टन स्टब्स दिख जा, दिख, ये देख ऐसी दिख जा, दिख जा। ए यार दिखा नहीं, पीछे से बड़े बाल, साइड से गंजा। गाइस सब मिलके खाना खा रहे हैं, तो भाई सिब्बू कैसा लगा? दाल तो ली नहीं तुमने, खाई भी है? सांभर है वो भाई, मेरे मुंह से दाल ही निकल रही है। दाल दूल तो ठीक है, पर जो सांभर का टेस्ट है ना, वो जो सांभर में चीजें जलती है ना, उसी से आता है। ये वो दाल नहीं है, इसने नॉर्मल दाल को सांभर टाइप से बनाया है। मैं तो इसको बोल रही थी भाई सब, पर ये कह रहा हूं। हाँ ठीक है, वो प्रेग्नेंट है इसमें सांभर वाली, पर मजा सांभर में ही आता है। वो अलग दाल होती है, वो तुअर जो नॉर्मल दाल घरों में बनती है ना, ये वो वाली दाल है। पता है मुझे, मेरी समझ रही है, दोबारा मत बनाइयो, ये कह रहा हूं। अच्छी है ये, पर सम हाँ, वो ये कह रहा है ये नॉर्मल दाल पसंद है। हाँ, मैं नॉर्मल भी दाल रोटी भी खाता हूँ उसमें, मेरे को वैसे भी दाल नहीं पसंद। हाँ, पर मैं फिर भी खा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बनाए सांभर तो सांभर को सांभर ही बना। हाँ वो वाली दाल कह रहा है कि दाल वही दाल। लास्ट टाइम जो तूने बनाया था ना, वो थोड़ा ठीक था, इसमें कुछ ओवर है, दो चीजें उसका टेस्ट आ रहा है अलग से। हाँ तो सिब्बू तुम्हें नहीं नहाना? मैं वहीं जाके नहाऊंगी, यहाँ का पानी अच्छा है। पता है कपड़े नहीं लाए ना मैं, टाइम बच जाएगा, और तो क्या है, हम भी थोड़ा रचित के साथ और बैठ लेंगे, है क्या? नहीं तो मैं सो ही जाती हूँ, मैं सुबह ही नहा लूंगी। सुबह ही निकल जाओ, जाके शूट करें फिर, और क्या, नहा के चले जाना यहाँ से। गाइस अभी खाना वाना सब खा लिया है, और ये नहाया भी है, नहा के चमक गया देखो बिल्कुल, और भी बिना नहाए भी चमक रहा था। मैंने बोला और भी। अच्छा, हाँ जैसे परसों तू आया जब मैं कह रही थी आज कैसा लग रहा है, डल डल सा बोल नहीं रही थी। हाँ मैं कैसा लग रहा है, जैसे थकान सी, मैं नहाया नहीं क्या, मैंने यही तो बोला था। नहीं वो जिम से भी आया था। तो अभी क्या खाना है तेरे को? और चीनू बोला रही है आलू बुखारा। अच्छा सिब्बू, सिब्बू तो सोने की तैयारी में है, आलू बुखारे खा ले, चाय आते इधर से पहले खा के देख ले। नहीं चाय नहीं, आलू बुखारे पसंद नहीं है क्या? आलू का रायता पिया था। आलू बुखारा पसंद है या नहीं ये पूछ रहे हैं। मैंने कभी खाया ही नहीं। आलू बुखारे नहीं खाया, ध्यान ही नहीं है उसको। ये मैं छाट के लाई थी और छोटे साइज थे, वो कह रहा था मीठे हैं गारंटी से, वरना मेरे वापस दे जाना, इस बात पे लाई थी मैं। मैंने कहा ठीक है फिर, खर्चे होते हैं। मैं भी गुड़गांव से उस दिन बोल रही थी, इतना फीका इतने फीके गुड़गांव, गुड़गांव के आम मना कर दी कि नहीं हम मतलब हम नहीं कटवाएंगे। आम कौन काटता है? खरबूजा, आम नहीं खरबूजा। अच्छा आम भी तो बेकार थे। हाँ तो दोनों चीज बेकार निकली। मैंने उसको ये भी बोला कि मैं दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली से थोड़ी आऊंगी तुझे वापस देने। कह रहा सही रहता कि मैं यही रहती, इसी बात पे विश्वास करके ले जाओ। अच्छा ठीक है खा ले साथ तो हम लाते हैं, से लिए पड़ोस से। हाँ ये तो हमने अपने यही आसपास से। तो हाँ? मैं कह रहा था अगर ये खट्टे होते तो उल्टे दे आते। हाँ मैं तो दे आती हूँ, मैं बोल के लाती हूँ चीजें, सच में बोल के लाने से हमने वापस भी दी है चीजें। भैया मैं वापस दे जाऊंगी, मैं बोल के लाते हूँ। हम लाते हैं एक खरबूजा, वो भी कटवा के, सुन ले ध्यान से, उसको भी कटवा के, वो वहीं चेक कर लिया मीठा है, बस एक ही लाएंगे डेली, कोई ना कोई जाता है, एक लाएंगे बस, उसको खा लेंगे बस, स्टोर करके नहीं रखते अब। सही है कम है तो ना फिर वो वेस्ट जाए। कैसा लगा बोलना ना सीखा? हाथी 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 है, मैंने सुना है वो तो हाथी हूँ कर बीज गिर देगी। मन ने समझ में आए पर उसका आ गई। कर चुकी है ना कई बार ऐसे, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे करके बीज गिर देगी। सब रिकॉर्ड हो रहा है देख ले सिब्बू। है
ये पता है क्या करते है, कुछ खाता है तो घर में फेंक देता है। अच्छा, तो मैं कुछ खाती उसके हाथ में दे देती हूँ। ये चीजें तो घर क्या, ये वैसे बीज घर में फेंक दे, कभी पैकेट वैकेट फाड़ा ऐसे रैपर फेंक दिया, रैपर फेंक देता हूँ बेड के साइड में। क्या फेंकती हूँ, बीज या च्युइंगम और क्या बाला मम्मा चिपका दिए तू कहते। एक बार च्युइंगम फेंका था कर्नाटक में, अभी यहाँ पे बीज फेंकी, ऐसे काम मैं भी ना फेंकती हूँ। इसके चिपकाई थी मैंने बचपन में बाल, कटे थे बाल, छुट्टे नहीं थी। जब ये नहीं पता था हमें कि बर्फ लगाने से वो निकल जाती है, जब नहीं पता था। अब जैसे कभी लग जाए ना बालों में तो तू बर्फ बर्फ लगा ले, वो सिकुड़ जाएगी और वो अपने उसमें आ जाएगी और गीली होएगी ना, वो अपने आप हट जाएगी, बालों को छोड़ देगी। अच्छा, हाँ कभी लग जाए किसी को। सेंटर फ्रूट की पकड़ कम है, सेंटर फ्रेश की पकड़ ज्यादा है। हाँ ये भी है, मैंने कहा जब नहीं पता था मैं बचपन में बाल ही काटने पड़ जाते थे। कभी च्युइंगम खाते टाइम पानी पिया है, वो हार्ड हो जाती है ना बहुत। हाँ, तो ऐसा ही है, तो ठंडा पानी पीने से और ज्यादा। हाँ तो वही वाला है, तो बर्फ लगा लो एकदम ज्यादा हट जाएगी वो, या ठंडा पानी डाल दो। चिल्ड च्युइंगम खा के इसके सर में चिपका दी थी, एक साइड से गंजी होगी थी, निकली नहीं, फिर वो बाल काटने पड़े एक साइड के, तो एक साइड टकली होगी थी। ट्राई नहीं करी आपने? बहुत मारे थे। और एक बात पता है क्या, जैसे ये टाइल लगी हुई है इतनी, ये तो मैं दीवार के लग के खड़ी थी बेड पे और मैं सेब खा रही थी, तो वो जो मैजिक शो नहीं आते थे हिस्ट्री टीवी 18 वगैरह पे, तो उस टाइम पे वो देखता था ये, तो मैं खड़ी थी एप्पल खा रही थी, आया कहता मैजिक दिखाऊं, मगर सीखा होगा कुछ नया। मैंने बोला दिखा नहीं, हवा क्या, में क्या मैजिक, मगर तेरे को हवा में उड़ा सकता हूँ, हवा में उड़ा सकता हूँ, तो मैं सोचा सीखा होगा कुछ, देखता रहता है मैजिक शो, मैंने कहा उड़ा इसे, मैंने तो दोनों पैर पकड़ के खींच दिया, दोनों टांग से खींच और मेरा सिर पीछे लगा जो ऐसे फिर पिटा फिर से मेरे बाल कटे क्योंकि इसने कटवा कटवा के तेरे बाल घने और मजबूत करवा दिए, देख ले बार बार उस तरह लगा दो मजबूती आती है। भैया जब ऊपर जाता ना ये, मुझे ये पता था कुछ ना कुछ पंगा करके आएगा, और वो बात सस्ती चाहे इसको कुछ करना, खुद भी उड़ गया था ये, गिर ही गया, फिर हाथ टूट गया। हमने जैसे पहले पता चल गया वो एडिटिंग से बनता था, शक्तिमान उड़ता था। फिर धूप का था मैं, नहीं थी छाव मिलो तक।